नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पटना एयरपोर्ट के न्यू टर्मिनल के बारे में। पटना एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है। एयरपोर्ट भवन में जी प्लस फाइबर मल्टीलेवल पार्किंग, एटीसी टावर, फायर स्टेशन, कार्गो बिल्डिंग, टेक्नीशियन भवन, अफसरों और कर्मियों के लिए क्वार्टर होंगे। इसको लेकर भारत सरकार ने 1216.90 करोड़ की स्वीकृति दे दी है। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के सवाल का जवाब देते हुए नागर विमानन राज्य मंत्री बीके सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि पटना एयरपोर्ट पर समानांतर टैक्स स्टैंड आइसोलेशन के साथ ही अन्य संसाधनों के लिए बिहार सरकार को 41.5 एकड़ भूमि उपलब्ध करानी है। अभी यहां पर यात्रियों की सालाना क्षमता 50 लाख की है। जब नया टर्मिनल भवन बनकर तैयार हो जाएगा तो इसकी क्षमता 80 लाख हो जाएगी। बताया गया है कि अक्टूबर 2022 तक यह टर्मिनल पूरा होना था, लेकिन अब यह दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। बता दें कि टर्मिनल के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए लगभग 8 महीने का और समय दिया गया है। इस दौरान बोलते हुए नागर विमानन राज्य मंत्री बीके सिंह ने कहा कि पटना एयरपोर्ट के साथ ही बिहटा एयरपोर्ट के लिए भी बिहार सरकार को जमीन उपलब्ध करानी है। बता दें कि बिहटा एयरपोर्ट के लिए 83 एकड़ जमीन राज्य सरकार को देनी होगी। वर्तमान में एयरपोर्ट से जुड़े कार्य धीरे चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण यह कार्य जो है धीरे गति से चल रही है। नई सुविधा के तहत पटना एयरपोर्ट पर 14 एयरक्राफ्ट पार्किंग बनना है, साथ ही 5 एयरो ब्रिज बनेगा। नया भवन G+2 होगा, जिसकी ऊंचाई 25 फीट होगी। बेसमेंट में सिक्योरिटी, बैगेज, एयरपोर्ट हैंड लैंडिंग रहेगा। नए टर्मिनल भवन में 52 चेक इन काउंटर और 5 कन्वेंटर बेल्ट होगा। एक तरह से कह लें कि बिहार एक बार फिर से जो है एयरपोर्ट के मामलों में एक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एयरपोर्ट होगा, जिसमें कि कई तरह की सुविधाओं की बात जो है भारत सरकार की तरफ से की गई है। जिस तरह की सुविधाओं की बात की गई है उसमें G+5 मल्टी लेवल पार्किंग की बात कही गई है। और एक तरह से कह लें कि लोकसभा में अपने सवालों का जवाब, यानी कि सुशील कुमार मोदी के सवालों का जवाब देते हुए नागर उड्डयन मंत्री ने कहा कि जमीन का अगर उपलब्धता तेजी से की जाए तो इसमें कार्यों में तेजी लाई जा सकती है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।